हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूँ हमारे चैनल विकेश एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ्स पजल एंड नंबर पैटर्न, जिसमें आपके सामने एक मैथ्स की पजल है। एक नंबर का पैटर्न दे रखा है जिसमें आपको तीन बॉक्स दे रखे हैं, हर बॉक्स के अंदर तीन नंबर दे रखे हैं। आपको फर्स्ट बॉक्स के तीनों नंबर पता है, सेकंड बॉक्स के तीनों नंबर्स पता है, लेकिन थर्ड बॉक्स का ओनली फर्स्ट नंबर पता है। तो आपको उस बॉक्स के रिमेनिंग दोनों नंबर पता करना है। ये हमारी पजल है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर इन तीनों नंबर्स के अंदर कुछ रिलेशन है, सेकंड वाले बॉक्स के अंदर भी तीनों नंबर के अंदर सेम रिलेशन है, वही रिलेशन थर्ड वाले बॉक्स के नंबर्स के अंदर भी होगा। चलिए जानते हैं इनके रिलेशन के बारे में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यदि 18 में से 6 माइनस करते हैं तो 12 आता है, एंड 18 में 6 ऐड करते हैं तो 24 आता है। सेम रिलेशन को अगर सेकंड बॉक्स पे अप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 16 में से 6 माइनस किया तो 10 आया, एंड 16 में 6 ऐड किया तो 22 आया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट वाला रिलेशन हमारे लिए सही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा नंबर 11 है जबकि हमारा नंबर यहाँ पर 10 आ रहा है। और सेकंड केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कंडीशन सही हो रही है और यहाँ पर भी कंडीशन सही हो रही है, मतलब 18 में 6 ऐड किए तो 24 आ रहे हैं और 16 में भी 6 ऐड किए तो 22 आ रहे हैं। तो फर्स्ट वाला रिलेशन यानी 16 में से 6 माइनस करने वाला वो रिलेशन गलत हो जाएगा। तो एक रिलेशन हमारा यहाँ पर सही हो गया कि अगर सेकंड नंबर को अगर पता करना है तो जो भी हमारा नंबर है उसमें हम 6 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 22 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो नंबर आ जाएगा 28। तो थर्ड वाले बॉक्स का एक नंबर हो गया है 28। अब लास्ट वाले बॉक्स का रिमेनिंग नंबर पता करने के लिए वापस से हम एक रिलेशन देख सकते हैं कि अगर सेकंड नंबर को जस्ट हाफ करें, उसका जस्ट आधा करें, उसे अगर दो से डिवाइड करें तो हमारा नंबर आएगा 12। वही हमारा थर्ड नंबर है, सेम हम सेकंड वाले बॉक्स पे भी अप्लाई करते हैं कि इस 22 का आधा मतलब हाफ किया तो 11 आया, और यही थर्ड बॉक्स पे भी अप्लाई करेंगे तो 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। यही हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा 14। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे हम मैथ्स की पजल या पैटर्न्स को सोल्व कर सकते हैं एक सिंपल सी मैथ्स की ट्रिक यूज़ करके। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मैथ्स की पजल्स या पैटर्न्स एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, जिनमें हमें कुछ नंबर दे रखे होते हैं और हमें उनके अंदर कुछ लॉजिक फाइंड करना होता है, कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी मैथ्स की पजल्स लेकर आऊँगा आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।